हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। एंड गाइस, बारिश हो रहा है तो प्लीज़ बारिश का आवाज़ इग्नोर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड प्योर ब्लड डेमोन सीजन 3 का। पिछले एपिसोड बड़ा ही फनी था, जहां पर विंग और यून को येलिंग पेट्रियार्क के बारे में पता चला था और फिर विंग ने अपना शैतानी शुरू कर दिया था। वो हर किसी के नाक में दम कर रहा था और ऐसे सिचुएशन में लैंड क्लैन वाले पर गए थे कि वो विंग को कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। लेकिन मास्टर लैंड कुरान उनके साथ, जैसे ही विंग ने अपना शरारत किया, जैसे ही विंग ने उनके चेहरे पर इंक से ड्रॉ किया, वैसे ही विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने शायद थोड़ा ज़्यादा कर दिया। उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था मास्टर लैंड कुरान के आँखों को देख कर, क्योंकि उनका आँखें एकदम रेड हो गया था, जिसे देखकर ही विंग ने गल्प किया। मास्टर लैन ने विंग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम अभी वॉल ऑफ रूल्स के सामने जाओगे और अपने घुटनों पर बैठोगे, वहीं पर आज पूरा दिन तुम बैठे रहोगे, ना तुम्हें खाना मिलेगा ना पानी। विंग उसे अब जाके ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बुज़ुर्ग इंसान है, पढ़ाते भी अच्छे हैं, तो इनके साथ इतना मजाक, मतलब इतना बढ़ चढ़ के मजाक करना सही नहीं हुआ, उसने गलत किया है। अपने इसी सोच के साथ विंग अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता है और जाता है वॉल ऑफ रूल्स के सामने, अपने घुटनों पर बैठता है, पूरा दिन वहाँ पर बैठा रहता है। विंग के साथ वहाँ पर यून भी बैठा रहता है। जब उनका राजकुमार यहाँ पर बैठा है तो यून कैसे खड़ा रह सकता है, कैसे वो अपने राजकुमार को ऐसे छोड़ सकता है, इसलिए यून ने भी पूरा दिन वॉल ऑफ रूल्स के सामने घुटनों पर बैठ कर ही बिता दिया। उसने भी पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। और उनके बाकी दोस्त जैसे आईवान, जिंगी, वेन हान, वेन ही, ये चारों भी उनके आसपास ही थे पूरा दिन। विंग को बड़ा ही अच्छा फील हुआ कि यहाँ पर आके कुछ दिनों में ही उसने बहुत अच्छे दोस्त बना लिए हैं। विंग सच में इस चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करता है। वो जहाँ कहीं भी हो बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता है, और ऐसा नहीं कि दोस्त बस ऐसे नाम के दोस्त हुए, उसके सच्चे दोस्त ही बनते हैं जो बहुत प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और सच्चे दिल के होते हैं। पूरा दिन पनिशमेंट ख़त्म करने के बाद विंग जल्दी से, मतलब टाइम पर डिनर ख़त्म करता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लग गया था, इसलिए वो और व्यून टाइम पर डिनर ख़त्म करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन विंग को नींद आ ही नहीं रहा था, उसके घुटनों पर दर्द हो रहा था, उसने अपने ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा पनिशमेंट झेला था। उसे याद है उसने बहुत ज़्यादा शैतानियाँ किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके माँ और बाबा ने कभी भी उसे पनिश नहीं किया है। बट विंग इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके शरारत के चक्कर में आके किसी और का कोई नुकसान ना हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, किसी का भी कोई नुकसान ना हो, विंग इस बात का हमेशा ही ख्याल रखता है। शायद ये भी एक वजह है कि उसके माँ और बाबा उसे कभी भी सज़ा नहीं देते। विंग को आज बहुत याद आ रहा था अपने माँ और बाबा का। हाँ, वो उन्हें मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इतने से बात पर घर नहीं जा सकता, उसे तो अभी बहुत कुछ देखना है। इसलिए विंग अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, माँ बाबा, मैं आप दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्द मिलेंगे। ये कहते हुए विंग ने अपना जो स्माइल है ना, उसे बिखेर दिया। यून जो चुपचाप विंग के बातों को सुन रहा था, विंग के एक्सप्रेशंस को देख रहा था, उसने बस अपने फेस पर एक बड़ा सा स्माइल लाया। उसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। ये जो उसका राजकुमार है ना, ये ऐसे ही पूरे लियांग किंगडम का जान नहीं है, उनके राजकुमार में कुछ तो खास है, बहुत खास। उनका राजकुमार घमंडी नहीं है, ना ही अपने से नीचे इंसानों को बुरी नज़रों से, छोटे नज़रों से देखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनके राजकुमार के अंदर सही गलत समझने का जज्बा है बहुत अच्छी तरीके से। यून जो थका हुआ था इसलिए वो सो गया, लेकिन विंग को नींद नहीं आ रहा था, उसके घुटनों पर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग को पता है कि यून भी उसके साथ बिना किसी गलती के इस सज़ा को भुगत चुका है, मतलब यून को किसी ने सज़ा नहीं दिया, बट यून कभी भी विंग को अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अभी जब यून शांति से सो रहा है,
तो विंग ने ही उनको परेशान करने के बारे में सोचना छोड़ दिया। वो बाहर आया, अपने कमरे से बाहर आया और इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं, दूर कुछ गार्ड्स पहरा दे रहे थे। विंग ने उन गार्ड्स को देखा और अपना मुंह सिकोड़ लिया। क्या मतलब, ये कबीले के अंदर ऐसे पहरा क्यों दे रहे हैं? कबीले के बाहर पहरा देना एक अलग बात है, क्योंकि रात में दुश्मन आ सकते हैं, चोर आ सकता है, जंगली जानवर आ सकते हैं, इसलिए बाहर पहरा देना सही है जिससे कबीले के अंदर लोग शांति से रह पाए। लेकिन लैन क्लैन में कबीले के अंदर भी ऐसे पहरा देते हैं जैसे कि कबीले के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो सब चोर हैं, और अगर पहरा ना दिया जाए तो ये सब रात को उठकर चोरी करने जाएंगे। ये सोचते ही विंग ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। हाँ, हो भी सकता है अगर पहरा ना दिया जाए तो सारे लैंस उठकर इधर उधर चोरी करने के लिए निकल जाएंगे। विंग अपने मन में ये बात दोहराता है और आगे बढ़ जाता है। उसको मन नहीं कर रहा यहाँ पर रहने का, फिर भी ये उनके लिए वो रहना चाहता है क्योंकि ये उन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लैन क्लैन में रहने को लेकर। इसलिए विंग कुछ दिनों तक यहाँ पर रहने के बारे में सोचता है, 6 महीने बिल्कुल नहीं, बस शायद 15 दिन या 1 महीने, इससे ज़्यादा वो इस क्लैन में नहीं रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल विंग को बड़ा मन कर रहा था कि वो बाहर जाए, कुछ अच्छा खाए, क्योंकि यहाँ का खाना बकवास है, एकदम बकवास, टेस्टलेस, सिर्फ उबाल कर खाना खाते हैं ये लोग। क्या इनके पास पैसे नहीं है? जब विंग अपना ये 1 साल का जर्नी ख़त्म कर लेगा ना, तब विंग खुद लियांग क्लैन से लैन क्लैन को पैसे देगा जिससे ये अच्छे मसाले खरीद पाए। विंग ने ये सोचा और वो छुप छुपा कर बाहर चला गया। सक्सेसफुली वो कबीले के अंदर से बाहर चला गया। अभी ज़्यादा रात नहीं हुआ है, हाँ 11-12 बज चुके हैं, लेकिन ये विंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है और ना ही सरी टाउन के लोगों के लिए। यहाँ के अलग अलग सराय यिन सब भरे पड़े हैं लोगों से, जहाँ पर लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे। लेकिन ऊपर लैन कबीले के अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद सुबह होने को आया है, मतलब लोग इस तरीके से नींद में डूबे हुए हैं। खैर, विंग एक बड़े से यिन के अंदर जाता है और बैठ जाता है, अपने लिए कुछ स्पाइसी खाना ऑर्डर करता है, स्पाइसी नूडल्स, स्पाइसी फ्राइड राइस और भी बहुत कुछ, और साथ में एम्परर स्माइल, जो यिन के सर्वेंट ने ही विंग को सर्व किया था और बोला था, यंग मास्टर, ये हमारे सरे टाउन का सबसे अच्छा शराब है जो बहुत ही स्वादिष्ट है। विंग अच्छे से अपना मील ख़त्म करता है बहुत दिनों बाद, मतलब जब से वो लैन क्लैन पहुंचा है तब से लेकर आज तक उसने सही से कुछ अच्छे से वो खा ही नहीं पाया। हाँ, भूख मिटाने के लिए जितना ज़रूरत होता है विंग ने बस उतना ही लैन क्लैन में खाया है, वो भी उसे ऐसा फील होता था कि सब बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी विंग ने बहुत मुश्किलों से खाया, बट अब उसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में विंग ने शराब भी ट्राई किया, एम्परर स्माइल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जिसका टेस्ट विंग कभी नहीं भूलेगा, उसके लाइफ का सबसे अच्छा शराब है। हालांकि विंग अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा होने वाला एम्परर, उसे इन सारी चीज़ों का आदत बहुत बचपन से ही लगाया जा रहा था। ये एक तरह का ट्रेनिंग होता है जिससे शराब को टॉलरेट करना सिखाया जाता है एम्परर को, जिससे कोई उनका इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा पाए। तो विंग अच्छे से शराब पी सकता है। लगभग 2 जार एम्परर स्माइल ख़त्म करने के बाद विंग उठकर खड़ा हो गया, उसका पेट पूरा फुल हो गया था। विंग ने बिल पे किया और साथ में एक चिली ऑयल का जार भी लिया और 2 एम्परर स्माइल का भी जार लिया। विंग इन चीज़ों को कबीले के अंदर ले जाने वाला है। अब विंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मतलब अपना पसंदीदा खाना खा के उसका मन एकदम भर गया है और पूरा दिन घुटनों पर बैठे रहने की वजह से वो थका हुआ भी है, तो अभी उसे नींद आ रहा है। विंग कबीले की तरफ चला गया। ठीक जैसे विंग कबीले से बाहर आया था वैसे ही कबीले के अंदर जाने के लिए तैयार था वो। उसने कबीले का जो दीवार है ना, उसको लांग लिया और एकदम कबीले के अंदर आके गिरा। विंग ने शराब पिया है, खाना भी पेट भर के खाया है, शायद यही वजह है कि वो गिर गया, वरना वो ऐसे आसानी से गिरता नहीं।
जैसे ही वो गिरा ना, उसे चोट लगा, लेकिन उसने शब्द नहीं किया अपने मुंह से। लेकिन गिरने का एक आवाज तो होता है। विंग तो डर ही गया कहीं इस आवाज को सुनकर कोई आ ना जाए, लेकिन शुक्र है कोई नहीं आया और उसके एम्प्रेस स्माइल के जार और चिली ऑयल का जार एकदम सुरक्षित है। विंग ने सुकून का सांस लिया। फिर वो उठता है और अपने कपड़ों को झाड़ता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो दो ही कदम आगे बढ़ चुका था और तीसरे कदम में वो रुक गया। उसके सामने लान वांग जी खड़े हैं, हंगवा जुन, जिसके चेहरे पर गुस्सा था बहुत ज़्यादा। पकड़े जाने पर विंग चोर नज़रों से वांग जी को देख रहा था। फिर जाके उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश किया। विंग स्माइल करता है और कहता है, हंगवन जुन, आप यहाँ पर अच्छा ही हुआ। देखिए ना, मैं आपके लिए भी एक एम्प्रेस स्माइल का जार लाया हूँ, एक आपका एक मेरा। ये कहते हुए विंग एक जार वांग जी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन वांग जी ने अपने बिचन निकाला और उस जार को एकदम दो टुकड़ों में अलग कर दिया और सारा एम्प्रेस स्माइल नीचे गिर गया। विंग अपना मुंह खोलकर कुछ देर उस तरफ देखता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, हंगवन जुन, आपने यह क्या कर दिया? आपको पता है ये कितना टेस्टी है, आपने इसे बर्बाद कर दिया। वांग जी गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, ये अलाउ नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है। क्या तुम्हें नियम नहीं पता? रूल्स तुमने ब्रेक किया है। एक तो 9 बजे के बाद तुम अपने कमरे से बाहर आए, फिर तुम कबीले से बाहर गए और वहाँ से लौटे तो लौटे अपने साथ शराब लेके लौटे। तुमने कितने सारे रूल्स को तोड़ दिया है, तुम्हें आइडिया भी है? तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलेगा। विंग इरिटेट हो गया, सज़ा सज़ा सज़ा, क्या वो सांस भी नहीं ले पाएगा? वो तो यहाँ पर रहना भी नहीं चाहता। तो विंग ने वांग जी को गुस्से से कहा, हंगवा जुन, पहली बात मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता और मैं कोई गुलाम या फिर आपका कैदी नहीं हूँ, आपके क्लैन का कैदी नहीं हूँ जो आपके नियमों के अनुसार चलेगा। तो मुझे सज़ा देने के बारे में सोचना भी मत। सुबह मैंने सज़ा इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मुझे लगा मास्टर लैन कुरान अच्छे पढ़ाते हैं, वो एक अच्छे टीचर हैं और मुझे उनके साथ थोड़ा रहस्य के मजाक करना चाहिए था क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी हैं, इसीलिए मैंने सज़ा को मंजूर किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हंगवन जुन कि हर बार ऐसा होगा। आप अपने सोच से बाहर आ जाइए। लियांग विंग को सज़ा देने का औकात आप में नहीं है और ना ही आपके क्लैन में किसी का है। ये कहते हुए विंग आगे बढ़ गया, लेकिन वांग जी ने उसे रोक दिया। वांग जी कहता है, तुम बहुत बदतमीज हो, बड़ों से बात करने का तमीज़ नहीं है। विंग ने एक अजीब सा स्माइल दिया, उसने कहा, हाँ मैं हूँ तो क्या, आप क्या कर लेंगे? वांग जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने बिचन से विंग पर हमला करता है। विंग ने भी अपना तलवार बाहर निकाल दिया। वो दोनों तलवारों से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और इस बीच विंग के हाथ में जो दूसरा एम्प्रेस स्माइल का जार था वो भी गिर गया और टूट गया। विंग का सर एकदम गुस्से से फट पड़ा। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि वो अब अपने पूरे शक्ति से वांग जी पर हमला कर रहा था। वांग जी जो कि विंग को हमला कर तो रहा था लेकिन चोट नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन विंग वो अपने होश हवास में नहीं था, वो वांग जी को चोट पहुंचा रहा था। वांग जी के दाहिने बाजू पर बहुत गहरा चोट लग गया था विंग के तलवार से, लेकिन विंग का गुस्सा वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों लड़ते हुए कब कोल्ड पॉन्ड के पास आ गए थे उनको ख्याल ही नहीं था, मतलब उन दोनों ने नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन उसके बाद ही कुछ ऐसा हुआ जो उन दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड था। वांग जी और विंग जहाँ पर लड़ रहे थे वहीं पर वो दोनों ही एकदम शांत हो गए, क्योंकि कुछ अजीब हुआ। कोल्ड पॉन्ड का पानी एकदम उथल पुथल हो रहा था। एक छोटा सा पॉन्ड है, बहुत बड़ा पॉन्ड नहीं है, लेकिन इस पानी में जो हलचल हो रहा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई छोटा पॉन्ड नहीं, एक बड़ा सा समुंदर है जहाँ पर बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं, जिसके आवाज़ और जिसका वो बड़े बड़े लहरें वो देखकर विंग और वांग जी दोनों ही रुक गए। वांग जी जो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को टाइटली पकड़ता है और खून को बंद करने की कोशिश करता है,
विंग को अब थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था। गुस्से में आके उसने लान वांगजी को चोट पहुंचा दिया। हालांकि लान वांगजी के पास भी बहुत सारा मौका था लड़ाई के दौरान उसे चोट पहुंचाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो विंग को थोड़ा सा गिल्टी महसूस हो रहा था। लेकिन अभी जो उसके सामने हो रहा है, इसके सामने तो वो सब कुछ भूल ही गया। वांगजी भी कोल्ड पॉन में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, जब वो और विंग 16 साल के थे तब कोल्ड पॉन के अंदर कुछ हलचल हुआ, और जिसके बाद वो और विंग दोनों ही सीधा कोल्ड पॉन से ठंडी गुफा में पहुंच गए थे। लेकिन वो तो अलग तरीके से हुआ था, और ये अलग, ये क्या हो रहा है? वांगजी ने अपना तलवार कस के पकड़ा और विंग को कहा, विंग पीछे जाओ। लेकिन विंग पीछे नहीं हटा, वो डरता थोड़ी है जो वो पीछे हट जाएगा। वांगजी विंग को पीछे हटते हुए ना देखकर एक गहरा सा ब्रीथ लेता है और अपने मन ही में सोचता है कि विंग एकदम उसके विंग की तरह ही ढीठ और जिद्दी है। लेकिन ये सब सोचने का अभी वक्त नहीं है। वांगजी ने पहले तो अपने आत्मिक शक्ति से देखने की कोशिश करता है कि कोल्ड पॉन में हो क्या रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कोल्ड पॉन का जो लहरें है ना, वो और भी ज़्यादा उठने लगा था, और पानी का आवाज़ सुनकर ही ऐसा लग रहा था कि ये कोई कोल्ड पॉन नहीं है, एक छोटा सा पॉन तो ये है ही नहीं, एक बड़ा सा समुंदर है जो ज़ोर ज़ोर से गरज रहा है। कुछ देर वांग जी अच्छे से कोल्ड पॉन को देखता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर रहना सही नहीं होगा, अंकल को बताना चाहिए और अभी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि विंग भी यहाँ पर है। इसलिए वांग जी पीछे मुड़ा और विंग को देखा। विंग जो अभी भी बहुत गौर से कोल्ड पॉन को देखे जा रहा था। वांग जी ने कहा, विंग चलो अपने क्वार्टर में चलो। विंग ने यह सुना और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो यहाँ पर कुछ देर और रुकना चाहता था, देखना चाहता था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन उसने वांग जी को चोट पहुँचा दिया है तो उसका गिल्ट विंग को खाए जा रहा था। इसलिए वो बिना किसी सवाल के वांग जी के बातों को मान लेता है और सीधा जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है। वांग जी और विंग कुछ कदम चल पाए थे और फिर कुछ बहुत तेज़ी से अपने पीछे आते हुए वांग जी और विंग दोनों ने ही महसूस किया। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और चौंक जाते हैं। एक तेज़ लहर आ रहा था उनकी तरफ, नामुमकिन, ऐसे ज़मीन पर लहर कैसे आ सकते हैं? वांग जी और विंग दोनों के दिमाग में ही ये सवाल आया, लेकिन इनका जवाब वो लोग ढूंढ पाते उससे पहले ही उस लहर ने उन दोनों को ही अपने कब्जे में कर लिया था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि वांग जी और विंग दोनों ही कुछ समझ नहीं पाए और वो दोनों ही बह गए। विंग और वांग जी एक दूसरे को डरे हुए नज़रों से देख रहे थे। वो दोनों पानी के बहाव में एक दूसरे से अलग हो रहे थे, दूर जा रहे थे। डर के मारे विंग ने अपना हाथ वांग जी की तरफ बढ़ा दिया था और वांग जी ने बिना किसी हिचकिचाहट विंग का हाथ पकड़ लिया था कसकर, और फिर झटके से विंग को खींच लिया था अपने बाहों में, अपने दोनों हाथों से विंग को कसकर अपने से जकड़ लिया। लेकिन बहाव इतना ही तेज था कि वांग जी कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था और ना ही विंग को छोड़ पा रहा था। विंग जो बहुत डर गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कुछ उसके लाइफ में पहली बार हो रहा था, इसलिए वो वांग जी के बाहों में समा गया। वांग जी, जिसे इतना तो समझ आ गया था कि वो हज़ार कोशिशों के बाद भी इस लहर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तब वो विंग को और भी ज़्यादा जकड़ लेता है। वांग जी को महसूस हुआ कि वो विंग को खोने का डर महसूस कर रहा है। इस लहर में वो खुद भी मर सकता है जो चल रहा है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसमें वो खुद भी मर सकता है। लेकिन अपने मरने का उसे कोई भी दुख या डर नहीं हो रहा था, लेकिन विंग को कुछ हो जाएगा ये सोचकर ही उसका दिल घबरा रहा था। उसे अजीब सा ही दर्द महसूस हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ उसे नहीं पता। लेकिन ज़्यादा देर तक वांग जी ये सोच नहीं पाया। विंग तो बहुत पहले ही अपना शरीर छोड़ चुका है, मतलब उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, वो बेहोश हो चुका था, और वांग जी वो भी अब ज़्यादा देर तक होश में नहीं रह पाया, वो भी बेहोश हो गया। लेकिन अभी तक उसने अपने मजबूत बाहों से विंग को जाने नहीं दिया। उसका जो हाथ है ना, मतलब उसने अपने दोनों हाथों से विंग को जकड़ के रखा था, वो बिल्कुल भी ढीला नहीं हुआ था,
बेहोश होने के बावजूद उसने विंग को नहीं छोड़ा और ना ही विंग ने वांग जी को छोड़ा था। वो लहर उन दोनों को अपने अंदर समा कर कहीं और ही लेकर चला गया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आपको। बाय बाय, कल मिलेंगे।